दोस्तों, अगर आप लोग के भी गले में खाना भरा हुआ रहता है और या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जब डकार ले रहे हो तो आपका खाना भी डकार के साथ में, पानी के साथ में बाहर आ रहा है। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे सब, मैं हूँ ऋषि। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग को कई बार ऐसी दिक्कत होती होगी कि आपको गले में खाना भरा हुआ महसूस होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसके बाद में आपको अजीब सी डकार आ रही है, पानी पीने के बाद में खाने के साथ डकार बाहर आती है। तो इस तरह की जो भी समस्या होती है इसका उपाय आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी गर्म करना है और उस पानी को गर्म करके ना उसमें जो काला नमक होता है ना वो कम से कम थोड़ा सा, आधा चम्मच से थोड़ा कम काला नमक आपको उसमें मिक्स कर देना और अच्छे से उसे मिक्स करके आपको घूंट भर भर के पी जाना है। याद रखिएगा पानी थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना करना है और जो पानी को पीना है वो काले नमक को मिक्स करके वो थोड़ा घूट घूट भर के पीना है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार ऐसे लिया और पी गए, वो नहीं करना, वो उससे ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप काले नमक का पानी गर्म करके हल्का सा गुनगुना करके पीते हो घूट भर भर के तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो भी आपको खाना गले में भरा हुआ लग रहा है, आपको अजीब सी डकार आ रही है, पेट से संबंधित जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोग के भी गले में खाना भरा हुआ रहता है और या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जब डकार ले रहे हो तो आपका खाना भी डकार के साथ में, पानी के साथ में बाहर आ रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप लोग एक गिलास पानी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कीजिए और उसमें आधे चम्मच से थोड़ा कम काले नमक को मिक्स करके उसे घूंट भर भर के पीजिए। घूंट भर के पीना, यह याद रखना, घूंट भर भर के जब आप उस पानी को पिएंगे तो आपको जो खट्टी डकार आने की समस्या या फिर गले में खाना भरा रहने की समस्या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोग अगर लाठी तलवार चलाना सीखना चाहते हैं या फिर योग सीखना चाहते हैं या फिर घरेलू नुस्खा की ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सब के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।